लोकसभा चुनाव 2024 एवं नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी द्वारा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत 6 से 14 अप्रैल तक करने जा रहे हैं। इसके तहत करीब 9 दिनों में 1 करोड़ घरों में जाने का लक्ष्य बनाया गया है। इसकी शुरुआत भाजपा समर्पित राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमंदा महाज द्वारा किया जाएगा। इसके तहत पसमांदा मुस्लिम समाज के लोग घर घर गांव जाकर प्रधानमंत्री के 9 साल के विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। बता दें, बीजेपी द्वारा समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज की ओर से प्रदेश महामंत्री औरंगजेब आलम ने रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के आह्वान पर प्रदेश में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शुरू होने वाले गाँव गाँव चलो घर घर चलो अभियान के बारे में बताया गया। औरंगजेब आलम ने आगे बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य रखा गया है। हम लोग जाएंगे जिससे पसमांदा समाज के मुस्लिम भाइयों तक हर योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, इस बारे में उनको जागरूक किया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट को कम चुनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पार्टी में सुधार हो रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से औरंगजेब आलम, प्रदेश महामंत्री एवं पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अकील भाई, शाकिर अली, अब्दुल रहमान, शमीम अहमद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साहबुद्दीन, अतीक अहमद, विधानसभा अध्यक्ष सुभाष अली आदि लोग मौजूद रहे। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और क्या प्रोग्राम होने वाला है? मैं औरंगजेब आलम एडीसी राजू, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज का प्रदेश महामंत्री एवं पूर्वांचल क्षेत्र प्रभारी। हमारा संगठन भाजपा समर्पित संगठन है और सबसे पहले मैं रमज़ान के मुबारक महीने में काशीवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हुए आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने तमाम वाराणसी के और काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हमारे अब्दुल रहमान साहब, अकील भाई साहब और शाकिर अली साहब और शफीद्दीन साहब, तमाम पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेसिकली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम प्रदेश में हर एक ज़िले में कर रहे हैं और हमारा विज़न है कि माननीय मोदी जी द्वारा जो 9 साल में जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो हमारे ओबीसी समाज के और हमारे पिछड़े मुस्लिम भाई पसमांदा समाज के लोग जो लाभान्वित हुए हैं, उस योजना को गांव गांव चलो घर घर चलो के माध्यम से पहुंचाना है, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी द्वारा आह्वान के बाद हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब के दिशा निर्देश द्वारा हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। हमारा मुख्य विजन यही है कि गांव-गांव चलेंगे, घर घर चलेंगे, एक एक परिवार के लोगों से मिलेंगे और माननीय मोदी जी के 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में उन्हें जागरूक कराएंगे कि क्या क्या लाभ सरकार दी है, दे रही है और देने वाली है, उन सारी योजनाओं से उन्हें जागरूक करेंगे। और हमारा संगठन ने एक टारगेट तय किया है, हम लोग अपने केवल उत्तर प्रदेश में लगभग हर विधानसभा में, हर एक गांव में पर डे जो है 200 से 200 घर, एक एक हमारा बूथ स्तर का साथी जाएगा, वो भी लगभग पर डे का टारगेट हम लोग का 1 लाख का है हमारा, और इसको 1 करोड़ लोगों के बीच में हमें पहुंच के अपने पसमांदा मुस्लिम भाइयों को इसके लिए जागरूक करना है और उन्हें बताना है। वोट की बात, मतलब चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाए जाते हैं कि मुस्लिम समाजों को टिकट नहीं देती है, तो किस तरह आप लोग लोगों को मनाने का काम करेंगे क्योंकि 2024 और निकाय चुनाव सामने दिख रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आपने आज सवाल किया है और कल ही से मीडिया में चल रहा है, जनाब हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तारिक मंसूरी साहब वाइस चांसलर हैं, उनको विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है, जैसा कि हमारे वाराणसी काशी अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी भी उसमें शामिल हैं और तमाम हमारे कई भाई हैं। ऐसा नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी ने ही ओबीसी समाज को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी ओबीसी समाज से आता है, सबको उन्होंने भागीदारी देने का वादा किया है और वो जोड़ रहे हैं, वो हम लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाए हैं और हम लोगों के पास ये गोल्डन चांस है, हम लोग उनके हाथों को पकड़ के उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के रास्ते पे चल चुके हैं, अब ये लौट के पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं और हमारे